आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि एक आपके पास मशीन है। ओके, इमेजिन दैट यू हैव अ मशीन लाइक दिस। ये आपकी मशीन है, इधर से आप जो है इसमें सामान डालोगे जो कि इनपुट कहलाता है, और जो चीज़ इधर से निकलती है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट है या आउटपुट है या आपका बीच में मशीन है। अब क्या है, आप यदि इधर से कुछ डालते हो तो इधर से कुछ निकलेगा, है ना? आप इधर से यदि गेहूं डालते हो तो इधर से आटा निकलेगा, आप इधर से कुछ और डालोगे तो इधर से कुछ और निकलेगा। लेकिन यदि आप इनपुट में कुछ है तो आउटपुट कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। तो यही सेम मशीन का जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म फंक्शन का है। ओके, तो इसका यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें आसान वर्ड्स में, तो ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल विच एसोसिएट्स, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। क्या मतलब है इसका? देखो, जो भी आपका फंक्शन है वो चीज़ें होती है आपके कहाँ से, वो होती है आपके सेट के ऊपर। ठीक है, तो जो एक्स और वाई यहाँ पे दिखाया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि सेट है। ओके, तो हम दो सेट लेते हैं, एक सेट को नाम देते हैं एक्स, दूसरे सेट को नाम दे देते हैं वाई। अपने सेट में कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और वाई में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका ए जो है उसका इमेज इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बी जो है बी का भी इसमें एक इमेज है, सी जो है सी का भी एक इमेज है। ए में आपके पास कोई खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सेट ए में, सेट ए शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट लेफ्ट विदाउट एनी एसोसिएशन और विदाउट एनी इमेज इन वाई। कहने का मतलब है कि सेट में आपके पास ऐसा कुछ डी नहीं होना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो, समझ रहे हैं? तो ये कहलाता है फंक्शन। ओके, अब इसमें देखिए, ए जो है यहाँ पे 1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 जो है ये आपका ए का इमेज कहलाएगा। बी 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 आपका बी का इमेज कहलाएगा। सी 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 सी का जो है वो इमेज कहलाएगा। ठीक है, सो दिस 1 2 एंड 3 आर इमेज ऑफ ए बी एंड सी। 1 2 और 3 आपका ए बी एंड सी का इमेज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। अब वापस आइए इस मशीन के ऊपर। तो जब ये मशीन जो है आपका आटा बनाने वाली मशीन, तो आप इधर से गेहूं डालोगे तो आटा निकलेगा, क्या आप इसमें पत्थर डाल सकते हो? नहीं, फिर आपका मशीन काम ही नहीं करेगा। वही बात है यहाँ पे। डोमेन क्या है? डोमेन का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ पहले, ताकि फिर बाद में उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोमेन, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज,
फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ओके, क्या मतलब है इसका? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपके अच्छे के लिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस टू। यह हमारा एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस टू। अब बेटा जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर यदि नेगेटिव रहेगा तो माइनस टू ये क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी रूट अंडर माइनस टू जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं होता है। तो हम जो भी अपने फंक्शन के अंदर जो इनपुट डालेंगे वैसा डालेंगे ताकि आउटपुट हमारा रियल नंबर हो, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं। तो ये होने के लिए आपका एक्स माइनस टू जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स जो है आपका दो और दो से बड़ा या दो के बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो जो भी एक्स की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है इस फंक्शन में रखा जा सकता है, तो वो सारे वैल्यूज जो इस फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करती है डोमेन कहलाएगा। समझ गए? सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ओके, हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस डिफाइन करके छोड़ दे रहा हूं। आइए रेंज के ऊपर। व्हाट इज रेंज ऑफ ए फंक्शन? रेंज क्या है फंक्शन का? रेंज जो है फंक्शन का वही चीज है जो आदमी का एक औकात होता है। समझ रहे हैं? जैसे हमारे हम अपने आम भाषा में हम लोग हर बार यूज करते हैं ना अपने, कि ये तुम्हारी औकात नहीं है ये करने की। यदि कोई आपका दोस्त है कुछ, ही वॉन्ट्स टू बाई ए बाइक, आप बोलेंगे कि ठीक है आप कोई नॉर्मल बाइक ले लो, महंगी बाइक खरीदने की आपकी औकात नहीं है। तो जो लिमिट की बात होती है ना वो हमारी रेंज है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा साइन फंक्शन जो होती है साइन एक्स हमेशा आपका माइनस वन और वन के बीच में रहता है, या आपका कभी भी माइनस वन से कम नहीं हो सकता और वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रेंज जो होगी साइन फंक्शन की वो होगा आपका माइनस वन टू वन। ठीक है, अब इसको यदि डेफिनेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन इनपुट इज इन द डोमेन। समझ गए? सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन इनपुट इज इन द डोमेन, मतलब जो भी फंक्शन से हमें आउटपुट निकल रही है वो सारे के सारे वैल्यूज इसमें आपका आ जाएगा। अब हमने एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अब जब हम ये फंक्शन ले रहे हैं तो देखिए स्क्वायर रूट जो होता है, अब x माइनस टू अंदर में पॉजिटिव है तो हम जब स्क्वायर रूट रहेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो आपका डोमेन जो है इस फंक्शन का, आपने देखा होगा पिछले वाले एग्जांपल में डोमेन था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो x की सबसे मिनिमम वैल्यू है टू और मैक्सिमम वैल्यू x जो जा सकता है वो इन्फिनिटी है। तो जब x आपका टू होगा, इफ x इज इक्वल टू टू, तो इफ x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस टू, जीरो। यदि आप x को तीन लेते हो तो एफ एक्स हो जाएगा थ्री माइनस टू वन। एक्स को यदि आप फोर लेते हो तो एफ एक्स बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस टू रूट टू। तो देख रहे हो आपका वैल्यू जीरो से लेकर के आगे चला जा रहा है और इन्फिनिटी पे जाकर के स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। तो रेंज जो इस फंक्शन की होगी वो आपका जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
समझ गए? तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? डोमेन और रेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप कि आपका ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फंक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। हम लोग वन वन करके इसको देखते हैं कि क्या है वन वन फंक्शन, क्या है मेनी वन फंक्शन, क्या है ऑन टू, क्या है इन टू। इसके लिए समझने के लिए हम लोग दो सेट दे देते हैं यहाँ पे फिर से, सेट एक्स सेट वाई, और बीच में अपना ये फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो जो सेट एक्स होगा ये अपना इनपुट वैल्यू है, ये कहलाता है डोमेन। और जो वाई है, सेट में वाई जो है वो कहलाता है कोडोमेन। ये रेंज नहीं कहलाता, ये कहलाता है कोडोमेन। दोनों में क्या फर्क है हम लोग बाद में आगे इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब लगा लीजिए इसमें आपका कुछ दो तीन ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी, चार डाल दिए अपन। इधर हो गया एक दो तीन चार पांच, इधर डाल दिए। अब क्या हो गया कि ए का इमेज आपका वन है, बी का इमेज आपका टू है, सी का इमेज भी आपका टू है, अब डी का इमेज जो है आपका फोर है। तो आप देख रहे हो कि तीन और पांच यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं। तीन और पांच जो है वाई में, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है एक्स में। तीन और पांच किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं है। तो डोमेन जो हो गया वो आपका पूरा का पूरा एक्स सेट हो गया, ए बी एंड सी एंड डी। कोडोमेन जो हो गया वो पूरा का पूरा वाई सेट हो गया, एक दो तीन चार पाँच। लेकिन आप जब ध्यान देंगे तो रेंज की बात हो रही है, रेंज में जो होता है वो सारे आउटपुट होता है, एक्स्ट्रा वाले अपन कंसिडर नहीं करते। तो रेंज में आपका वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और फोर आ जाएगा, क्योंकि तीन और पाँच तो किसी का इमेज है नहीं ना, तो उसको हम लोग रेंज में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये फर्क होता है कोडोमेन और रेंज का, ठीक है? अब ये तो हो गया, अब अपन देखते हैं वन वन फंक्शन के बाद। पहला, वन वन फंक्शन। अब देखिए मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा नाम से ही कि क्यों इसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। एक्स वाई ए बी सी, वन टू थ्री। ए का इमेज वन है, बी का इमेज टू है और सी का इमेज थ्री है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज होना जरूरी है, ओके? हर एक ऑब्जेक्ट का, इफ इच एलिमेंट ऑफ एक्स, हैव अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज इन वाई, देन फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ठीक है? जैसे ए का इमेज है आपका वन, बी का इमेज है टू, सी का इमेज है थ्री। तो तीनों को जो इमेज है, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं बता रहा था ना कि आपको नाम से ये क्लियर हो जाएगा क्यों, वन वन, इधर एक इधर एक, ठीक है? अब आ जाइए मेनी वन। मेनी वन फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन, फिर से अपने दो सेट दे दी ए बी। इस बार हम इधर जो है इसको एक्स वाई कर दीजिए ए बी की जगह पे, या अब छोड़ दीजिए ए बी ही रहने दीजिए, लिख दिया तो ए बी ही छोड़ दीजिए उसको। इधर हमने चार एलिमेंट दे दिए, इधर हमारे पास, एक्सक्यूज मी, इधर अपने पास बी में जो है वो दो ही एलिमेंट है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ए का इमेज वन है, बी का भी इमेज हमने वन ले लिया, और सी का भी इमेज जो है वो वन है, और डी का अकेला इमेज टू है। तो आप देख रहे हैं कि एक इमेज का तीन ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपके पास एक्स का कोई
कोई भी वाई में एक एलिमेंट एक्स के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो तो वो कहलाएगा मेनी वन। तो ये क्या हो गया, मेनी और इधर जाके हो रहा है वन। तो डेफिनेशन देखेंगे, अ फंक्शन एक्स टू वाई इज कॉल्ड मेनी वन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई। तो देख रहे हो यहां पे ए बी और सी तीन एलिमेंट एक्स का उसका इमेज है वाई में वन, तो ये क्या हो गया मेनी वन। अब आइए अपने तीसरे फंक्शन पे जो कि कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन, अब ध्यान दीजिएगा ऑन टू और इनटू फंक्शन जो होती है उनका जो मतलब होता है उसमें सिर्फ कोडोमेन और रेंज के बीच के फर्क से होता है। ठीक है, ये अपना हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। यदि आपका सारे एसोसिएशन के बाद कोडोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता, इफ देर इज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन, देन इट इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। क्या मतलब है इसका, मैथमेटिकल क्या मतलब है? तो जब इसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं तो कोडोमेन और रेंज जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 है, इधर ए बी सी डी था। ओके, एक्स और वाई और ये अपना फंक्शन है। अब देखिए इसमें डोमेन तो है वो ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब कोडोमेन जो है वो हो गया आपका 1 2 3, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो अपना रेंज भी जो है वो क्या है 1 2 3। तो कोडोमेन और रेंज इस केस में आपस में हो गए बराबर, तो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं चौथा वाला इनटू फंक्शन। ठीक है, अब इनटू फंक्शन किसको बोल देंगे, बना देता हूं फिर से आपका दो सेट x और y, बीच में ये फंक्शन होगी a b c d 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए हमने ऐसे करके इस फंक्शन का डाल दिया, लेकिन ये करने के बावजूद अपने पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रही है 5। तो जब एक्स्ट्रा एलिमेंट कोडोमेन में बच जाती है तो वो फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन। ओके, इफ देर इज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल इन वाई, देन फंक्शन एक्स टू वाई is called as into function। समझ गए, तो ये है डेफिनेशन। अब इसका मैथमेटिकल जो मीनिंग होता है, कोडोमेन और रेंज के बीच जो रिलेशन है वो रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट। समझ गए, आपस में दोनों बराबर नहीं होता। मैं आपको इसी एग्जांपल को देके बता दे रहा हूं। देखिए आपका डोमेन हो गया यहां से एक्स वाला पूरा का पूरा ए बी सी और डी।
आपका कोडोमेन हो गया वाई, एक दो तीन चार एंड पांच, एंड आपकी रेंज जो है वो है एक दो तीन चार। तो आप मानेंगे कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो गया और दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डोमेन रेंज टाइप्स ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन। अब आप क्या कीजिए, आपके पास जो कोई भी टेक्स्ट बुक है आप पढ़िए उनसे, थ्योरी तो पार्ट तो आपका क्लियर हो गया है। अब आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल में थोड़े से क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो नेक्स्ट में जो लेक्चर आपके पास जो होगी उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रेंज और डोमेन निकालने के, डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ओके। और कैसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, इस बारे में भी बात होगी आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे।